हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे रेडमी नोट 9 प्रो का अनबॉक्सिंग, जिसमें स्नैपड्रैगन 720G विद 8nm प्रोसेसर, जो कि हमारे पास 4GB रैम एंड 64GB रोम ब्लैक वेरिएंट कलर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल BM ब्लॉग्स। आई एम विवेक मिश्रा, आई होप ऑल ऑफ यू गुड। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं और करते हैं बॉक्स को ओपन। ये अपने पास नाइफ, जिसे हम कट करेंगे। ये हम क्या ओपन कर साइड, दोनों साइड से, और ये ऐसे खुलता ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, सीरीज है और इसमें क्या है। सिम स्लॉट को ओपन करने के लिए छोटा सा पिन मिल जाता है, जिसे अपन ओपन कर सकते हैं सिम स्लॉट को। इसके बाद इसमें एक मिलता है ब्लैक केश कवर, एंड इसके साथ मिलता है कुछ डिटेल्स, एक कॉपी VMI पे रहता है। ये ब्लैक कलर का मिलता है कवर, जो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो इसे रखते हैं साइड में और मोबाइल को देखते हैं। ये मोबाइल, तो मोबाइल के ऊपर एक ये लगा था पेंट, एंड इसके साथ अब अपन देखेंगे मोबाइल का फर्स्ट इंप्रेशन। तो मोबाइल ब्लैक कलर में है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ब्लैक कलर है क्या। इसका नाम ब्लैक कलर क्यों दिया गया ये नहीं पता, लेकिन ब्लैक लगता नहीं है, कुछ और ही कलर है। तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसका लुक। तो इसको रखते हैं साइड में और इसके साथ देखते हैं कौन कौन सी सीरीज हमको मिलती है। तो ये है इसके साथ एक्सेसरीज जो मिले हुए हैं, चार्जर एंड एडाप्टर, जो निकाल के देखते हैं अपन। तो ये है 27 वोल्ट का फास्ट चार्जर, 27 वोल्ट का ये है फास्ट चार्जर, MI का ब्रांडेड चार्जर। एंड इसके साथ मिलता है एक एडाप्टर, जो MI का ब्रांडेड एडाप्टर है, बहुत ही फास्ट सी टाइप एडाप्टर, मेड इन इंडिया। तो राइश आज का सीन यही है। तो चलो डायरेक्ट देखते हैं अब मोबाइल का पूरा फीचर्स, एंड मोबाइल के बारे में कुछ जानते हैं, मोबाइल में क्या क्या है। बैटरी इसका 5000 mAh का है, बहुत ही पावरफुल बैटरी है। तो मोबाइल को करते हैं ओपन और देखते हैं। अब फ़ोन स्विच ऑन हो रहा है, और फ़ोन स्विच ऑन हो गया है गाइज। अब हम सीधे चलेंगे सेटिंग में। अभी फ़ोन एंड्रॉयड 10 में चल रहा है, जैसे हम एंड्रॉयड ऑप्शन में जाके और एंड्रॉयड अपना चेक कर सकते हैं, हमारा मोबाइल कौन से एंड्रॉयड में चल रहा है। तो इसमें 10 में चल रहा है, जैसे हम बता दिए थे। बहुत ही स्मूथली काम करता है एंड्रॉयड 10। हाँ फ्रेंड्स, अब इसके दूसरे ऑप्शन चलते हैं लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में जाके आप अपना फिंगरप्रिंट एंड अपना पासवर्ड सेटअप कर सकते हैं। तो हम इसमें करेंगे ट्रायल फिंगरप्रिंट आके, और फिंगरप्रिंट कितना फास्ट काम करता है ये देखेंगे हम। तो पहले फिंगरप्रिंट हम सेट कर लेते हैं, इसके बाद इसका यूज करके देखते हैं ये फिंगरप्रिंट कैसे काम करता है और कितना फास्ट काम करता है। तो फिंगरप्रिंट लगाने में 2 से 4 सेकंड का टाइम लगता है, और फिंगरप्रिंट लग गया है। आप इसमें 10 या सिर्फ 15 फिंगरप्रिंट आप लगा सकते हो। तो इसका फिंगरप्रिंट देखिए आप, जैसे ही आप टच करोगे फिंगरप्रिंट, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है इसका फिंगरप्रिंट ओपन होने में, इसका लॉक ओपन होने में। आप इसे प्रेस करके भी ऑन कर सकते हो, और आप टच करके भी इसे ऑन कर सकते हो फिंगरप्रिंट को। और हम इसके बाद चलते हैं बैटरी परफॉर्मेंस पे। तो इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 5020 mAh का बैटरी है, जो कि फुल डे लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। तो हम इसकी कैमरा की बात करें तो 28 MP प्रोग्रामिंग कैमरा है, जो इसमें 4 कैमरे आते हैं। तो इसके फ़ोटो हम पहले क्लिक करके देख लेते हैं। तो फ़ोटो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा पिक्सल देता है, जिससे फटता भी नहीं है। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं, और हम रात में ही इसका कैमरा का टेस्टिंग कर रहे हैं। जहाँ तक नेचुरली फ़ोटो की बात करें तो नेचुरली फ़ोटो बहुत ही अच्छी आती है। हम अभी अपने बॉस की फ़ोटो खींच के देख रहे हैं, इसमें जो लिखे हुए हैं वो क्या सही से दिखते हैं, क्या पिक्सल फटता है। तो आप देख सकते हैं एक भी पॉइंट पिक्सल नहीं फट रहा है, आप एक एक अक्षर पढ़ सकते हो। इसका मतलब है कैमरा बहुत ही अच्छा है। तो इसका जो सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, तीसरा कैमरा है 5 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा है, एंड थर्ड है 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर आता है जिसमें।
कैमरे में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट ऑप्शन मिल जाएगा, नाइट ऑप्शन मिल जाएगा, इम्प्रूव मूड ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसमें ऊपर से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इसके कैमरे को और बेहतरीन बनाते हैं। और इसका स्लो मोशन भी ऑप्शन भी है, जिसमें स्लो मोशन वीडियो आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो गाइज, रेडमी नोट 9 प्रो का ये सीन है, यही था हमारा अनबॉक्सिंग। तो आप इसे कैमरा देख सकते हैं, कैमरा इसका थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, चारों कैमरे बहुत ही बेहतरीन दिखते हैं। और इसकी ग्लास की बात करें तो 5D गोरिल्ला ग्लास है, जो कि 14 से 18 हज़ार में ठीक ठाक ही है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब।